सर मेरा नीट स्कोर 510 है और मैं असम स्टेट से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेट काउंसलिंग के अलावा दूसरे कौन से स्टेट में मेडिकल काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, प्लीज गाइड। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे आप असम स्टेट से, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट होगा जो वेस्ट बंगाल से होगा या बिहार से होगा या यूपी से होगा, ये जो वीडियो है उन सभी स्टेट के बच्चों के लिए है और अच्छा रहेगा कि आप उसको नोट करें। मैं जो आपको आज जानकारी देने वाला हूँ ये आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब कैसा होता है, मान लीजिए कोई बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, नीट के एग्जाम देने के बाद उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन वन, अपने स्टेट का काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा। ऑप्शन टू, डीम्ड कॉलेज के लिए वो MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब डीम्ड कॉलेज यानी कि इंडिया के जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं वो MCC काउंसलिंग देकर पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि आप भी MCC में पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया के जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं, चाहे वो मणिपाल हो या JSS हो या फिर भारतीय विद्यापीठ हो, अलग अलग स्टेट के कॉलेज हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं जहाँ पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अदर स्टेट के बच्चे, और कुछ स्टेट होते हैं जो ओपन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जो कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट हैं, और इसके अलावा मैं आपको आज बहुत मजेदार स्टेट कर्नाटका और यूपी के बारे में भी जानकारी दूंगा जो वहाँ पर एडमिशन की क्या प्रोसेस है। तो आप लोग नोट करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। तो आप जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आंध्र प्रदेश, जी हाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 35% जो सीट है वो ओपन फॉर ऑल है। आंध्र प्रदेश में अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं MBBS सीट के लिए। यहाँ पर 12 लाख के आसपास ट्यूशन फी रहता है। आंध्र प्रदेश के अलावा आप हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ओपन फॉर ऑल है, आप बाहर के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर भी 10%, कहीं 15%, कहीं 20% सीटें हैं जो कि बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजाब के लिए मैं खासकर बताऊंगा, जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो वहाँ पर CMC लुधियाना बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ का कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा जाता है। तो CMC लुधियाना में 4 सीट है जो ओपन फॉर ऑल है, तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको CMC लुधियाना का पंजाब स्टेट का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये सभी ओपन स्टेट है, यहाँ पर एक दो कॉलेजेज हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर 35% सीट ओपन फॉर ऑल है, यहाँ पर 12,50,000 ट्यूशन फी रहता है। उत्तराखंड, दो कॉलेज हैं वहाँ पर आप 18,50,000 के आसपास ट्यूशन फी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 15% सीट ओपन फॉर ऑल है, इसको मैनेजमेंट कोटे का भी सीट कहते हैं। इनका जो टोटल पैकेज होता है अराउंड 90 लाख के आसपास होता है, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख के आसपास ईयरली ट्यूशन फी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ कॉलेज हैं जो 50% अमाउंट पूरे पैकेज का 50% अमाउंट फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं, और कुछ कॉलेज है जो बैंक गारंटी मांगते हैं, इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कर्नाटका स्टेट की, पूरे इंडिया में जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज से चूक जाते हैं उनका सबसे पहला ऑप्शन होता है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक अच्छे एजुकेशन सिस्टम और अपने पुराने कॉलेज के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में दो तरह का CA स्ट्रक्चर है जो ओपन फॉर ऑल है, इसमें एक प्राइवेट कॉलेज CA स्ट्रक्चर होते हैं जिनका फी होता है 9,94,000, और दूसरा क्यू कोटा एंड NRI कोटा जो 30 लाख से लेकर 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक रहता है। कुछ जानकार या कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि वहां पर कम पैसे में भी एडमिशन हो सकती है, लेकिन इतना भी कम नहीं जो कोई बोल दे 60 लाख या 70 लाख। मिनिमम बजट आपको कर्नाटका में, अगर मार्क्स कम भी है, अगर 150 भी है, 160 भी है, तो मिनिमम बजट आपको 90 लाख का तो रखना ही होता है कर्नाटका में एडमिशन लेने के, 90 लाख फॉर पूरे 5 ईयर्स के MBBS के कोर्सेज। इसके अलावा मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आप पिछले 2-3 साल से मैं देखता आया हूँ कि वहाँ ट्यूशन फी कभी ज़्यादा रहता है तो कभी कम रहता है, बट गवर्नमेंट सारा कुछ अभी ठीक कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और सभी सीटें
ओपन फॉर ऑल है, वहाँ पे लगभग 4,500 के आसपास सीटें हैं और 250 मार्क्स वालों को भी यूपी में सीट मिलने का चांसेस रहता है। तो इस अनुसार से आपने देखा जो कुछ स्टेट थे, आंध्रा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इसके अलावा और भी कुछ कुछ स्टेट थे, इनके अलावा कर्नाटक और यूपी, ये सभी स्टूडेंट का पहला पसंद होता है कि वहाँ अप्लाई करें। अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा पर्सनली, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू।